ट्रक वाले भैया शिलोंग ले जाइए हमें। सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। सो अभी हम लोग चेरापूंजी से निकल कर शिलोंग के लिए जा रहे हैं और डबल डेकर हमने किया लास्ट ब्लॉग में। सो डबल डेकर के बाद अब हमारा जो प्लान है वो आगे का कुछ ऐसा है कि हम आगे बताएंगे। मैंने बोला था मिलेंगे फिर से, मिल लिया ना। मैं भविष्यवाणी नहीं करता। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। तो डबल डेकर के टाइम जो लोग हमें मिले थे वो लोग फिर से हमें मिले, अच्छा लगता है बार बार मिलते हैं। तो फिलहाल अभी हमें देखना है कि हमें गाड़ी शिलोंग के लिए अभी मिलती है या नहीं। अभी हम लोग टैक्सी स्टैंड पर आ चुके हैं और ये लास्ट गाड़ी है शिलोंग के लिए। तो वैसे तो चार्ज 150 रुपये करते हैं और ये कितना चार्ज करेंगे ये पता नहीं, पर अभी तक ड्राइवर नहीं आया और ये जब तक भरेगी नहीं तब तक जाएगी नहीं। तो सामने जितनी भी शेयरिंग गाड़ियाँ इस टाइम हमें नहीं मिलेगी। शिलोंग ट्रक वाले भैया शिलोंग ले जाइए हमें। सो अभी हम लोग सोहरा मार्केट जा रहे हैं और सोहरा मार्केट पहुंच गए और यहाँ से जो शिलोंग की गाड़ियाँ उसके ऑप्शन बहुत है। तो भाई हमें मिल चुके हैं और भाई हमें चार्ज कर रहे हैं 200 रुपये। सो हमें मिल गए बस, इतना बहुत है। अभी निकल रहे हैं शिलोंग के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए शिलोंग। तो निक भाई से मिलने के बाद अभी हम लोग पहुंचे हैं पुलिस बाजार और यहाँ पर सामने सुमो मिल चुकी है जो कि चार्ज करती है 1% 300 रुपये गुवाहाटी के लिए। सो गुवाहाटी से हम लोग जाएंगे कामाख्या मैया के दर्शन करने के लिए। सो हमारे व्लॉग्स लेट आ रहे हैं लेकिन हाँ हम लोग एक सही लोकेशन पर पहुँच रहे हैं सही टाइम पर और अभी नवरात्रि चल रही है तो मैया के दर्शन तो बनते हैं। सो अभी हम लोग निकल पड़े हैं शिलोंग से गुवाहाटी की तरफ और यहाँ पर जाते जाते रास्ते में हमें जो देखने को मिलते हैं प्रकृति के नज़ारे उनका तो क्या ही कहना। सो फाइनली एक बार फिर से हम लोग कामाख्या मैया के दर्शन करने आए हैं। सो अगर आप भी कामाख्या मैया के दर्शन करने आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई ट्रेन आना है तो यहाँ पर जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो दो पड़ते हैं, एक कामाख्या जंक्शन जो यहाँ से पड़ता है 6 किलोमीटर और दूसरा गुवाहाटी जंक्शन जो कि पड़ता है यहाँ से 11 किलोमीटर। तो दोनों में से जहाँ आपकी ट्रेन आए वहाँ की टिकट बुक करवाइए और पहुँच जाइए कामाख्या मैया के दर्शन करने के लिए। सो प्रसाद लेने के बाद मैया के दर के सामने पहुँच गए हम लोग। और जैसे ही हम मंदिर प्रांगण में एंटर करते हैं हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है ये बुकिंग काउंटर जहां पर लिखा होता है 501 रुपये वीआईपी एंट्री जिसमें आपका समय कम लगता है दर्शन करने में। और यह सब देखकर काफ़ी बुरा लगता है कि यार लगभग सभी मंदिरों में ये सब चल रहा है। टेम्पल बहुत सुंदर सजाया है। सो अभी हम नॉर्मल लाइन में गए और दर्शन करने में हमें लगे 5 से 6 घंटे और दर्शन करते करते हो गई शाम और शाम के समय हमने यहाँ पर दीप जलाने के बाद यहाँ पर बाकी के देवी देवताओं के भी दर्शन करने के लिए निकल पड़े। नवरात्रि के दिन मैया का दरबार बहुत ही सुंदर सजाया गया है और यहाँ पर जो फूलों से डेकोरेशन की गई है ना सच में बहुत ही सुंदर। सामने देखिए पूरा इंडिया का नक्शा बनाया हुआ है फूलों से और उसके अगर आगे थोड़ा जाएंगे तो हमें माता पार्वती और भगवान शिव देखने को मिलेंगे और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर ये जो मंदिर परिसर है सजाया गया है। सामने बकरों की बलि दी जा रही है। तो मैया के दर्शन हो गए, अब निकलते हैं बाहर की तरफ। और जाते जाते
एक बार फिर से हमने कामाख्या मैया के बाहर से दर्शन किए और अब हम लोग बस निकल पड़े हैं हमारे रूम की तरफ। हम लोग मिलेंगे जल्द ही एक नए सफ़र पर एक नए वीडियो व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। हम लोग बस ऐसे ही मिलते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा।